नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ नए टोटके लेकर के आपके लिए लाभकारी साबित होंगे दोस्तों। तो आइए आज के हमारे टॉपिक के बारे में जानते हैं। एक रुपये का नोट जो बना सकता है आपको करोड़पति लखपति, बस आपको करना होगा कुछ उपाय, कुछ काम और कुछ सावधानियां बरतनी होंगी दोस्तों। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक रुपये का नोट या 100 रुपये का नोट आपको लखपति और करोड़पति भी बना सकता है। आपने पहले नहीं सोचा तो अब ज़रूर सोचें, क्योंकि आज हम आपको इसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिन्हें जानकर आप शायद यकीन न कर पाएंगे पर ऐसा हो रहा है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें दुर्लभ नोट जमा करने का शौक है और उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। वो आपके नोट को करोड़ों में खरीद सकते हैं। 1000 रुपये का नोट है जो 1 करोड़ रुपये में बिक रहा है। बेचने वाले के अनुसार उस नोट सीरीज के नोटों पर प्रिंट के वक्त स्याही इंक गिर गई थी और उसके सीरियल नंबर भी बहुत दुर्लभ है। 100 रुपये के नोट 2,50,000 में ईबे पर, 100 रुपये के 2 नए नोट जिन्हें 2,50,000 रुपये में आसानी से बेचा जा रहा है। उस नोट के सीरियल नंबर के आखिर में 786 और 60 हैं जो दुर्लभ है। 10 रुपये के नोट 1,00,000 रुपये में 10 रुपये का 786 सीरियल नंबर वाला भी नोट ईबे पर लगभग 1,00,000 रुपये में बिक रहा है दोस्तों। वेबसाइट पर इनकी है अलग कैटेगरी। इनमें से कई नोट ऐसे हैं जिनमें प्रिंटिंग गलतियां हैं और उनके सीरियल नंबर भी नहीं हैं। ऐसे नोटों की कीमत भी लाखों में है। अलग अलग नोटों की लिस्ट है जिनमें मिस प्रिंट, फैंसी नंबर्स, 786, 500 एरर और दुर्लभ नोट भी शामिल हैं। नोट की नीलामी, यहाँ अधिकतर नोटों की नीलामी होती है और बोली लगाई जाती है। जो ज़्यादा रुपए की बोली लगाता है नोट उसे बेच दिया जाता है। आप भी रखें ध्यान, अगली बार से कोई भी नोट किसी को देने या बैंक में जमा करने से पहले ध्यान से देख लें, आपका वो नोट भी आपको लखपति या करोड़पति बना सकता है। कहाँ पर बेचें? ईबे, अमेजोन, ओएलएक्स जैसी वेबसाइट हैं जहाँ पर आप अपना नोट आसानी से बेच सकते हैं और रातों रात माला माल हो सकते हैं दोस्तों। बहुत से लोग अपने नोट और सिक्कों को बेचकर लखपति और करोड़पति बन चुके हैं। आप भी कोशिश करें और किस्मत को चमकाएं दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे कुछ और नए टोटके लेकर के, कुछ और नई आपकी समस्याओं के समाधान लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।